वेलकम फ्रेंड्स, आज आपका फिर एक बहुत खास वीडियो पे मेरी स्वागत है। और आज हम आपको थोड़ा सा व्यू दिखाएंगे ऊपर से नीचे से। और ये वीडियो उन लोगों के लिए जो दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली में आना चाह रहे हैं या आ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए वीडियो है। और ये वीडियो है उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन की। वहाँ से हम ऊपर से थोड़ा व्यू दिखा रहे हैं। पहले ऊपर से दिखाया, अब ऊपर जो है कॉन्कोर्स से दिखाया था, फिर हम प्लेटफॉर्म से आपको दिखा रहे हैं। व्यू देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये है बस अड्डा आपका उत्तम नगर बस टर्मिनल जो है। यहाँ से बसेस आपको सभी जगह की मिल जाएगी, लगभग दिल्ली की गोल चक्कर वाली भी मिल जाएगी, भारी मुद्रिका वगैरह। और ऊपर से नज़ारा काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन नीचे भी चल के आपको दिखाएंगे। ये मार्केट आप देख रहे हैं, ये स्ट्रीट शॉप्स वहाँ पे यहीं पे उत्तम नगर पे, जाम भी यहाँ काफ़ी लगता है, वो भी हम दिखाएंगे। काफ़ी भीड़ है। और यहाँ से कहाँ कहाँ पे जाने की सुविधा है, कहाँ से कहाँ के लिए ऑटो मिलेंगे, कहाँ के लिए आपको बैटरी रिक्शा मिलेंगे, वो सब हम इसमें दिखाएंगे। नीचे चल के भी आपको बताएंगे। चलिए नीचे चल लेते हैं। और नीचे हम आ गए बाहर, गेट नंबर 1 से हम आए हैं, दूसरी तरफ गेट नंबर 2 है रोड पार करके। और मेट्रो मैं बता दूं आपको, ये ब्लू लाइन मेट्रो है जो द्वारका 21 को जाती है, यानी कि द्वारका सेक्टर 21 से लेकर नोएडा और वैशाली तक ये मेट्रो जाती है अल्टरनेट में। और अब ये नजफगढ़ से भी जुड़ गई है। और ये है बस स्टैंड आपका, जो मैं बता रहा था अभी, उत्तम नगर बस टर्मिनल जो है। और यहाँ से ये रिक्शा LIG फ्लैट्स के लिए मिलता है, विकासपुरी के लिए, और उत्तम नगर वगैरह के लिए भी यहाँ से मिल जाएंगे। और हम भी बैठ लेते हैं, चलिए इसी से हम चलते हैं। और इसी से चलते हुए आपको दिखाते हैं बसेस वगैरह जो है अभी निकल रही है। और ये थोड़ी गंदगी भी आप देख रहे हैं नीचे। ऊपर से तो काफ़ी खूबसूरत मनमोहक दिखाई दे रहा था, लेकिन नीचे से थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग हवाई यात्रा करते हैं, जब आपदा आती है तो हवाई यात्रा में और ज़मीन में उतर के यात्रा करने में बहुत फ़र्क होता है। चलिए वो एक अलग विषय है, अभी आप देख लीजिए। ये स्ट्रीट शॉप है और यहाँ पर जो है सेल वगैरह करते हुए। और ये राइट साइड में ऑटो वगैरह मिल जाएंगे आपको, विकास नगर के बालाजी चौक। यहाँ पे आपको कुछ रनौला गांव वगैरह में जाना हो तो वहाँ के लिए भी, और विकासपुरी के लिए। और प्लस इधर ये बसेस आप पहले देख लीजिए, बस बाहर निकल रही है टर्मिनल से, काफ़ी जाम रहता है यहाँ पे। बसेस बाहर निकलती है और यहाँ से लेफ्ट जो है लोग टर्न लेते हैं। साथ में ये सामने दिखाई दे रही बत्ती है, यहाँ फुल जाम रहता है, खासकर पी कार्स में तो बहुत ज़्यादा जाम रहता है यहाँ पे। तो मैं बता रहा था आपको, उस दूसरी तरफ से जाओगे तो आपको DDA दीनदयाल हॉस्पिटल के भी मिल जाएंगे, चाइना के प्लेस। और आप उधर से धोलाकुआ जा सकते हैं दूसरी तरफ से, और भारी मुद्रिका जैसे मैंने बताया मिलती है। और ये जितने भी बैटरी रिक्शा खड़े हैं, ये LIG फ्लैट, जनता फ्लैट्स, और इधर विकासपुरी में और विकास नगर के लिए ये सुविधा खूब मिलती है। रात के 12-1 बजे भी आप आओगे तो ये ऑटो वगैरह आपको खड़े मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।